सुना है कि यमुना पॉल्यूशन पर नगर पालिका और संबंधित अधिकारी 2 लाख रुपए महीने के डीजल खर्च करते हैं, तो आपके इस पंपिंग सेंटर को कितने हजार रुपए महीने का डीजल प्राप्त हो जाता है? इसका सर हमको नहीं, इस महीने में कितना डीजल लेके आए हैं आप लोग? 100 लीटर देवर आया है। 100 लीटर? अच्छा, पिछला सर हमारे पास 119 लीटर। 219 लीटर तेल है तुम्हारे पास उस वक्त? आज 18 तारीख है, आज 3 लीटर तेल, आज तुम्हारे पास 3 लीटर तेल बचत में है। कितने दिन से? 4 तारीख से। 4 तारीख से 3 लीटर बचत में है, तो अब तक क्या राम भरोसे ही चल रहा है? आपको डीजल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है। आपने इस विषय में किसी से कहा कुछ? संबंधित अधिकारी ने कुछ करा? कुछ नहीं किया। 4 तारीख से आप 3 लीटर पर पड़े हैं। आपको अगर जरूरत पड़े जनरेटर चलाने की तो आप चला नहीं सकते हैं? बगैर बिजली के जनरेटर नहीं चलेगा। वो 1 घंटे में 50 लीटर पी जाता है? जी। है? कितने हॉर्स पावर का है? 250 केवी। 250 केवी का जनरेटर उस हाथी के लिए 3 लीटर तेल पिछली 4 तारीख से पड़ा हुआ है। इस यमुना जी का तो भगवान ही मालिक है। इन स्टाफों से क्या कहा जाए, ये कर भी क्या सकते हैं? अधिकारी ही नहीं समझ पाते किसी बात को। इन्होंने कहा भी, उसके बावजूद में भी जहां से चले वहीं आ गए। थैंक यू। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार। आप पिछले कितने साल से हैं यहाँ? 2 साल। 2 साल से हैं। ऐसा ही मामला चलता रहता है? नहीं नहीं, फिलहाल इस महीने है। फिलहाल इससे पहले महीने में कितने लीटर तेल मिला था आपको? वो यहाँ पर लागू नहीं है, वो नगर पालिका चली गई। वो चली गई। चलो, आप जाने, आपके संबंधित अधिकारी जाने, या फिर इन सबको देखने वाली ये यमुना जाने, जिसको आप और हम सिवाय दूषित करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। यही वास्तविकता है जिसकी रिपोर्ट आपने देखी। थैली हट रही है, पानी आ रहा है, पानी सीधा यमुना में जा रहा है। बुद्धमान इतने बड़े करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाने वाले ऑफिसर्स आगे एक लोहे की जाली नहीं खड़ी कर सके जिससे कि वो पॉल्यूशन वहाँ न जाए, वो थैलियाँ, वो कचरा वहाँ न घूमे। लेकिन जो कुछ है वो सब आपके सामने है।